गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर डिमांड और सप्लाई एक साथ डिक्रीज़ कर जाए तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि तीनों अगर दोनों जो हैं एक साथ बढ़ते हैं, डिमांड और सप्लाई एक साथ बढ़ते हैं, तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे यानी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उसमें हम लोगों ने तीन सिचुएशन देखा था। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम देखेंगे कि एक साथ डिक्रीज होने में भी जो है तीन सिचुएशन होता है। पहला कंडीशन है कि यदि डिमांड और सप्लाई दोनों घटे लेकिन डिक्रीज इन डिमांड इज़ मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी जितना सप्लाई घटता है उससे ज़्यादा डिमांड घटे। जैसे एक एग्जांपल में हम देखते हैं कि इनिशियल जो है 20 रुपये पर यूनिट प्राइस पे कमोडिटी का डिमांड भी 100 यूनिट है और कमोडिटी का सप्लाई भी 100 यूनिट है। सेम प्राइस पे दूसरे फैक्टर्स की वजह से डिमांड जो है वो 100 से घट के 20 यूनिट हो जा रहा है और सप्लाई जो है वो 100 से घट के 50 यूनिट हो जा रहा है। यानी डिमांड जो है वो 80 यूनिट से घटा, सप्लाई 50 यूनिट से घटा। यानी डिमांड जो है वो ज़्यादा घटा है और सप्लाई कम घटा है। जो फाइनल फिगर घटने के बाद आया इसमें हम देखते हैं कि डिमांड के ज़्यादा घटने की वजह से जो है इस 20 रुपये प्राइस पर डिमांड 20 यूनिट रह गया और सप्लाई 50 यूनिट हो गया। इट मीन्स कि देयर इज़ ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, डेट इज़ सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड। यहाँ 20 रुपीज़ पर सप्लाई 50 हो गया, डिमांड 20 हो गया, यानी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है और सप्लाई के डिमांड से ज़्यादा होने का मतलब कि देयर इज़ ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई होता है तो हमने पढ़ा है कि सेलर में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, प्राइस घटना शुरू होगा। प्राइस के घटने से डिमांड में एक्सटेंशन और सप्लाई में कंस्ट्रक्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से, और ये डिमांड का एक्सटेंशन और सप्लाई का कंस्ट्रक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि डिमांड और सप्लाई फिर से इक्वल न हो जाते हैं। अल्टीमेट इफ़ेक्ट हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि अल्टीमेट इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। यहाँ दिखाया गया है कि इनिशियल जो है डिमांड कर्व और इनिशियल सप्लाई कर्व, ये ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई कर्व हैं जो पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट किए हुए हैं और यही हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पे ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस और ओक्यू जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। ओके, आगे देखते हैं हम कि डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया डी से डी1 की तरफ और सप्लाई कर्व एस से S1 की तरफ। दोनों ही कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हुआ है। जो डिमांड कर्व है इसमें होने वाले शिफ्ट में गैप ज़्यादा है सप्लाई की तुलना में, ये इंडिकेट करता है कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा घटा है। ये दोनों ही नए डिमांड कर्व और नया सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा यही हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1, और इस पॉइंट पे फिर हमारा जो प्राइस है नया वो OP1 हो गया। यानी अल्टीमेट इफेक्ट हमारा दिखा कि जो इनिशियल हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था वो OP था और डिमांड और सप्लाई इन दोनों के लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने की वजह से जो नया इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा है वो OP1 हो गया, यानी घट गया है। चूँकि डिमांड और सप्लाई दोनों घटने का सिचुएशन है इसलिए याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है हमेशा यहाँ घटेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस जो है एक्सेस सप्लाई होने की वजह से घट जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमने देखा कि व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज़ मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई इट इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, एज अ रिजल्ट मार्केट प्राइस टेंड्स टू फॉल, डिमांड एक्सटेंड्स एंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। दूसरा सिचुएशन हम देखते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, यानी इस बार जो है डिमांड और सप्लाई दोनों घटेगा लेकिन डिमांड जो है वो सप्लाई से कम घटेगा, यानी सप्लाई ज़्यादा घटेगा डिमांड कम घटेगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि इनिशियली जब कमोडिटी का प्राइस 20 रुपये है तो डिमांड और सप्लाई दोनों 100 यूनिट्स हैं। सेम प्राइस पर डिमांड घट के 80 यूनिट हो गया और सप्लाई घट के 50 यूनिट हो गया। यानी देखिए यहाँ पर डिमांड जो है वो मात्र 20 यूनिट से घटा है जबकि सप्लाई 50 यूनिट से घटा है। यहाँ जो फिगर मिला यहाँ, यानी नया जो फिगर है इसमें डिमांड का फिगर जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है
और जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है तो ये सिचुएशन हमारा एक्सेस डिमांड का हो जाएगा। एक्सेस डिमांड होने की वजह से बायर में कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड के घटना और सप्लाई का बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब तक जब तक कि दोनों फिर से इक्वल नहीं हो जाते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं इस चीज़ को। इस डायग्राम में भी देखिए, इनिशियल डिमांड कर्व डी और इनिशियल सप्लाई कर्व एस, ये दोनों पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किए हैं, जो हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पे ओपी जो है हमारा प्राइस वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ये ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया पॉइंट ई पे, जहाँ ये सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट किए हैं। चूँकि डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई का सिचुएशन है, यानी सेम प्राइस पे जब डिमांड और सप्लाई घटते हैं तो इन दोनों ही कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगा, सप्लाई कर्व एस से एस वन की तरफ और डिमांड कर्व डी से डी वन की तरफ। लेकिन कंडीशन हमारा क्या था कि डिमांड जो है वो सप्लाई से कम घटेगा, इसलिए डिमांड कर्व में जो गैप है वो कम है, सप्लाई कर्व में ज़्यादा है। यहाँ हम देखते हैं कि जो नया डिमांड कर्व है और फिर नया सप्लाई कर्व, ये दोनों नए कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, यही नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ई वन, और इस प्राइस पर जो हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ ओ पी वन, यानी हमारा इनिशियल जो इक्विलिब्रियम प्राइस था ओ पी, और नया जो है ओ पी वन हो गया। यानी अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ा कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है हमारा बढ़ जाता है व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज़ लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, या इसको यूँ बोल सकते हैं व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज़ मोर देन डिक्रीज इन सॉरी व्हेन डिक्रीज इन सप्लाई इज़ मोर देन डिक्रीज इन डिमांड। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने घटने के केस में दो सिचुएशन देखा। पहला कि अगर डिमांड और सप्लाई जो है दोनों एक साथ घटें, लेकिन डिमांड ज़्यादा घटे तो एक्सेस सप्लाई होता है, प्राइस घट जाता है। अगर डिमांड सप्लाई दोनों एक साथ घटें लेकिन सप्लाई इस बार ज़्यादा घटे तो एक्सेस डिमांड हो जाता है और प्राइस बढ़ जाता है। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल घटते हैं तो दोनों ही जब भी इक्वल घटेंगे तो जैसे इक्वल बढ़ने के केस में था उसी तरह से यहाँ भी होगा कि जब सेम प्राइस पे देखिए डिमांड भी 100 सप्लाई भी 100, सेम प्राइस पे डिमांड भी घट के 50 सप्लाई भी घट के 50, यानी यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों का फिगर इक्वल है, दोनों बराबर घटे हैं तो इक्वल है, ना ही डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हुआ है ना सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब कि देयर इज़ नाइदर ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई, जिसकी वजह से जो है प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, है ना, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। इस डायग्राम में देखते हैं हम इनिशियल डिमांड कर्व डी और इनिशियल सप्लाई कर्व एस, ये ओरिजिनल है, इनिशियल सिचुएशन है जो पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, जिसकी वजह से ओपी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा और ओकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। चूँकि डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई का सिचुएशन, इसलिए दोनों में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हुआ है, और यहाँ ध्यान देंगे कि इन दोनों कर्व में जो गैप है वो सप्लाई और डिमांड दोनों ही गैप इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इक्वली घट रहे हैं, और इस वजह से ना एक्सेस डिमांड हो रहा है ना एक्सेस सप्लाई, और नया सप्लाई कर्व और नया डिमांड कर्व ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे यही हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और इस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम क्या देखते हैं, जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस नया आ रहा है वो ठीक उतना ही आ रहा है जितना कि ये पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था, यानी कि व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई देयर इज नाइदर ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई, एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेंस कॉन्स्टेंट। यानी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ पी कंटिन्यूज टू बी द सेम, डेट इज इक्विलिब्रियम प्राइस कंटिन्यूज टू बी द सेम, ओनली देयर विल बी डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस क्लास में तीन और सिचुएशंस को पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि जब डिमांड और सप्लाई एक साथ घटेंगे तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम का हमारा लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो कैसे इसमें इफेक्ट करता है। थैंक यू।